स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सरमैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। क्योंकि आप जानते हैं, आपके इस चैनल पे हमने मैथमेटिक्स और तेलुगु 6 to 10th क्लास सभी के लिए अपलोड कर रहे हैं, सभी इम्पोर्टेंट मटेरियल, मॉडल पेपर्स और रीडर के क्वेश्चंस भी। उसी तरह न्यूज आर्टिकल्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो न्यूज आर्टिकल्स भी हम इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज से जानकारी हो। आप देख सकते हैं एक आर्टिकल अभी आया है जिसको मैं तेलुगु में है, जिसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बतलाऊंगा। तो इंटर एग्जाम्स कैंसिल करना कहकर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दिया गया है। इंटर फर्स्ट ईयर एग्जाम्स कैंसिल करना कहकर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया गया है और प्रमोटेड स्टूडेंट्स को दोबारा से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करना कहकर पेरेंट्स कमिटी ने पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल किया है और एग्जाम्स कैंसिल करने के लिए सभी स्टूडेंट को पास करना कहकर भी पिटीशन की तरफ से जो वकील है, लॉयर है, जिनका नाम है रापोलू भास्कर जी ने कोर्ट से कहा है, क्योंकि कोरोना के कारण फर्स्ट ईयर एग्जाम्स के बिना ही सभी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट कर दिया गया था तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। फिर वही गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है कि 25 अक्टूबर से एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल है, हम जानते हैं कि ऑलरेडी पहले प्रमोट कर दिया गया था, फिर बाद में हमको ये भी न्यूज कही थी प्रमोट करते वक्त के हम अगर सिचुएशन अच्छा हो तो हम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, ये भी साथ ही साथ कहा था। तो उसी के बिना पर 25 अक्टूबर से एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम्स, अब कोर्ट क्या कहता है एग्जाम्स के बारे में। पिटीशन तो डाल चुके हैं, या अगर कोर्ट कहता है कि एग्जाम्स कंडक्ट कीजिए या एग्जाम्स को पोस्टपोन कीजिए या एग्जाम नहीं ले सकते, क्या करते हैं इसका अपडेट मैं आते ही आप लोगों को बतलाऊंगा। तब तक आप चैनल पे बने रहिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।